हमने बॉर्डर खुलना है तो एक दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, वो भी पता नहीं किस्मत में है कि नहीं है। मेरा बड़ा शौक है कि मैं इंडिया को विजिट करूं, इंडिया को देखूं। इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री है। शबाज तो हैप्पी है, देखो कैसे दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है। जैसे जब से इंग्लैंड गया ना, जब से बंदर का खून लगता है ना, तब से ये एक्टिव हो गया। यार इसको क्या करें यार, भजन क्या बात है भाई। चले आप वीडियो आएगी, हम देख लेंगे आपका क्या। जो वीडियो आने वाली है ना, बस आप देखिएगा, इसी वीडियो के एंड पे आप देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो उसका ये फायदा कि ये जिसके अंदर ये फ्लाई कर सकेंगे ना, ये बर्ड जिसके अंदर फ्लाई करता है उसके अंदर ये बड़ी जल्दी ब्रीड करता है। ये देखो ये डोर है, ये वाला मेन डोर होगा, ये मेन डोर है, वो जो विंडो है ना। ओ यार हाँ, ये बड़ी जगह बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं अपने खेतों में, और यहाँ पे मैं रुका हूँ इसलिए कि हमारा चैनल तो विलेज इन सिटी 99 इसका नाम है, और इसमें पेट्स लवर भी आते हैं, सारा आते हैं। मैं खेत में जिसमें खड़ा हूँ, दिखाना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि इस खेत में जो बंगले होते हैं ना, वो बहुत बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों से भी शेयर करते हैं। ये पीछे आप देखें, ये सारे जो हैं ये बंगले बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी लगा है ना खेत में, तो जैसे ही पानी लगा खेत में, तो ये पानी जब लगता है तो कीड़े मकोड़े जो है ना वो निकलते हैं, श्राद्ध वगैरह। तो ये सारे बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि जब भी कोई कीड़ा निकले ये फौरन जो है वो उसको उठाएं और खा लें, ठीक है। बैठे बड़े आराम से हुए हैं, पास से किसी बंगले की तस्वीर बनाते हैं। ये देखिए पानी लगा हुआ ना खेत को, तो खेत में से ये जैसे भी कोई वो वर्मिंग जो कीड़ा होता है, जैसे ही कोई शराब बाहर निकलता है फौरन खाते हैं। लें जी, इतने सारे बंगले थे ये देखें, वो जाके उड़ बैठ के दूसरी जगह पे, कुछ जो है ना उड़ने लग गए। ये देखें लैंड कर रहे हैं, क्या बात है। तो आपने देखा कि सारे एक कोने पे जाके बैठ गए, पहले सारे इस खेत में थे, जैसे मैं इनकी वीडियो बनाना शुरू हुआ हूँ तो ये सारे जो है ना वो कोने में चले गए हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि यार कैसी बात है कि परिंदों को कितना मज़ा आता है जब ये हवा में जो है ना उड़ते हैं, और जो हमारी सरहदें हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, हमारी जो सरहदें हैं, जब मैं वो बाढ़ जो लगी हुई है हमारे बॉर्डर के बीचों बीच, जब मैं वो देखता हूँ कभी कभार जाके, जैसे हमारे इधर बरकी रोड पर गवेंडी बॉर्डर है और हमारा वाघा बॉर्डर है, और इंडिया वालों का जो है, यानी कि आप लोगों का जो बॉर्डर है वो अटारी है, तो जब वो हम आपस में दोनों लोग बैठे होते हैं, उस तरफ अटारी की तरफ जो है हमारे हिंदुस्तान के सरदार बैठे होते हैं, यहाँ हमारे लाहौरी बैठे होते हैं, यानी उधर अमृतसर के लोग बैठे होते हैं, और इस तरफ जो है ना वो हमारे लाहौर के बैठे होते हैं। तो जब मैं कभी देखता हूँ आसमान की तरफ, तो कुछ चिड़िया कोई कौआ तो वो उड़ के इस तरफ कभी उस तरफ जा रहा था, तो मैं कहता हूँ यार ये कैसी इनको अल्लाह पाक ने देखें आज़ाद रखा हुआ है। असल आज़ाद वो लोग हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। हम तो बॉर्डरों के मोहताज हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर खुलना है तो एक दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, वो भी पता नहीं किस्मत में है कि नहीं है। मेरा बड़ा शौक है कि मैं इंडिया को विज़िट करूं, इंडिया को देखूं। इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो मेरे अपने इंडिया के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए ये कि आपका मुल्क भाई बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। और देखें अगर परिंदों को कोई रोक टोक नहीं है, वो बॉर्डर के ऊपर से उड़ के तो एक तरफ और दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो मैंने एक दफ़ा देखा कि जो बॉर्डर के ऊपर, जो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है, एक बहुत बड़ा वो सफ़ेदे का पौधा था और एक बोर्ड का था, तो वो कौआ कभी उस परचम के ऊपर जाके बैठ जाता था, कभी यानी कि इंडियन तिरंगे के ऊपर बैठ जाता था, कभी जो है वही कौआ उड़ता था पाकिस्तानी परचम पर बैठ जाता था। तो मैंने कहा यार देखो ये भी तो एक मखलूक है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो कि कभी इधर से उठते हैं कभी उधर, कभी कोई इनको बॉर्डर की जो है ना वो पता नहीं है कि बॉर्डर क्या होते हैं, इनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो हम लोग जो हैं एक ही जगह से हम जुदा हुए हैं, और हम लोग जो है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर क्रॉस करना हो तो पासपोर्ट चाहिए, वो भी वीज़ा लगता है नहीं लगता। तो काश ये हमारी सरकारों को समझ आए, हम आवाम आपस में मिलें और एक दूसरे में जो है वो प्यार बढ़े और नफ़रत जो है वो ख़त्म हो। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं दूसरे जानवरों से।
आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन के साथ हाजिर हैं आपके भाई छोटे से मिनी जू में। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मिनी जू आसा सा बड़ा हो जाए आपके तावन के साथ, ठीक है। तो हम जो है क्या नाम है, आपको आज की एक्टिविटीज दिखाएंगे हम आज क्या करना है और क्या करने लगे हैं। भजन किधर जा रहे हो यार? वो डब्स आपका सारा खाली पड़ा हुआ आज। आपके आज देखने नहीं नहीं। है, कबूतर है, किसे है सारे? सारा देखते हैं, इधर ना गई हैं। ओए ये हैं तो हमारी, यार इनको कभी देखा ही नहीं है। आज भला क्या करते हैं यार, अपने जितनी भी सारी चीजें हैं ना उन सबको दाना पानी इनको करते हैं और सारी चीजों से का हाल चाल पूछते हैं। हाँ वो तो है, और मुझे उसका बताओ। ये देखें हाँ, नवाज की तबीयत, नवाज उसकी है वो खराब हुई थी पिछली वीडियो में, बड़ी खराब कंडीशन थी उसकी, है ना। खाया था, बीमार हुआ बच्चा। कैसा देखा है? ये देखते हैं यार, बड़ा लिस्सा हो गया यार। यार मुझे लगता है इसको इन्फेक्शन हो गया है। शबाज तो हैप्पी है, देखो कैसे दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है। जब से इंग्लैंड गया ना, जब से बंदर का खून लगता है ना, तब से ये एक्टिव हो गया यार। इसको क्या करें यार, यार हमारा जो प्लेट लाइट सही नहीं, यार हमारा नवाज गोलू मोलू सा है यार, ये बड़ा शरीफ सा है नवाज। चलो ठीक है, ये जो नवाज वो तो हमने कर दिया, वो उनका देखें यार तो दिखाया मैं आपके दिन न्यू ले यार। ये जो गोलू मोलू है ये देखो, गोलू जा रहा है। मोलू किधर गया? मोलू चला गया उधर। ओ देखो भाई, वो देखो से काम खराब कर दिया सारा, गोबर ने काम खराब कर दिया सारा, बखेर दिया। ये कितनी गंदी कर दी आपने यार, ये जिस दिन की आपने ये डेयरी फार्म में छोड़ी हुई है उस दिन से यार, ये देखो वैसे हैप्पी बड़ी है। हैप्पी तो है ना, गोबर सारा बखेर दिया था यार। उन्होंने भी गंदी कर ली, सारा कुछ बखेर दिया, ये देखे। अब क्या करें यार, वो देखो क्या कर रहे हैं, वो एक बात है, एक्टिव हो गई है, खुश है, खुश बहुत ज्यादा है। वो देखे आपके भाई कीड़े मकोड़े इतने वो इनके अंदर विटामिन आयरन प्रोटीन इतनी चीजें हैं इस गोबर में जो खाती हैं, और वो गोलू मोलू से मिलके शरारते कर रही हैं अलग-अलग। यार इसको कल का रेस्क्यू किया, जो दवाई लगाई है इसको फर्क तो है, लेकिन वो डॉक्टर साहब को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो इसको कोई स्टिच। आप डॉक्टर को कॉल लगाए जरा। कॉल तो मैं लगाई है, दो तीन कॉल मैंने किए लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं किया। नहीं यार कॉल लगाए जरा, मुर्गी बेचारी जो है वो हालत तो वैसे इसकी ठीक है यार, अब तो खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, कमर बोल रहे हैं, क्या हाल जाए? ठीक हो यार, मैं तुम कल दसा ना मुर्गी के अंदर फड़ी सी एक तो असी और कुत्तिया को, पता नहीं कुत्तिया ने या किन्ने यार, कलवी सारी ना तो कटी हुई है। हाँ तो वह असी हल्दी तेल ला के तुम खड़ा करता सी, तुम दसो आता भी इन्होंने वो लिया के तुम दिखाइए, जे ओनू स्टिच करके जोड़ दो, नहीं तो या फिर ओनू और कटना है तो किसी कटना ब्लेड ना कट दो। हाँ जी चलो, तुम मैं जल्द घर हो मैं दसना फिर मुर्गी तेरे को लेके आवेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है, बाकी किसी मैं सर चेक कर ली, बाकी कोई जख्म नहीं लगा। हाँ ओके चलो, मैं बैल करना। ओके अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी? यार वो भी बाहर है, कह रहे मैं कहीं दूसरी तरफ चेक कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, हमारी ये जो है ना ये वाली मुर्गी जो है, ठीक है, ये तंदुरुस्त हो गई है। आपने देखा नहीं है कल इसकी हालत क्या थी? हाँ। जब मुंसर ने हमें बताया कि वो मुर्गी बैठी हुई है। हाँ। तो अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको डॉक्टर की जरूरत है, खुद ही वो तेल और हल्दी वाली जो आपने सारी स्टोरी सुनाई थी ना, वो तो है, उससे जख्म भर जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर लटक रहे हैं ना इसका कुछ ना हल करना पड़ेगा हमें। चलें इसका करते हैं। अंडे तो देखें, अंडों पे भैया नंबर शंबर लगे हुए हैं, 6-5 लिखा हुआ है, 6-9-5-9 लिखा हुआ है, 5-9-7-9 लिखा है, तो उसे देखो 7-9 लिखा हुआ है। हाँ, चेक करो भाई, सबर सबर। हाँ 7-9 है, 7-9 है। हाँ जी हाँ जी भाई, 5-9 है यार। ओ भाई 5 को बैठाइए यार, 5-9 है। ये व्यूवर्स आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज है। ठीक है चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलें ये 5-9 है और अभी ये इसका टाइम है यार, इनको आज छोड़ते हैं उधर पार्क में, ये एक पिजन को, क्या ख्याल है? हाँ तो कल भी छोड़े फिर इनको भी, चलें लेके चलते हैं उधर उनको भी। यार इसको मुनसर आप इधर करो, इनको बाहर निकालो थोड़ा सा, भाई आप क्या सोच रहे हैं? बड़ी सोच में डूबे हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हम जिस पिजन को छोड़ते हैं इसके एक पास भाग के आए थे। वो भला क्या बार बार बताना चाह रहे हैं?
आप अपने वादे पे से मुकर गए हो, आपने अपना वादा मुकम्मल नहीं किया। ये चीज जा रहे कह रहे हैं हम, वीडियो की हाईलाइट में भी यही है, थंबनेल के ऊपर के कमर साहब जो है मुकर गए हैं। मैं तो देखने कोशिश करो कि भाई हर किसी को किसी एक चीज को लाके इसमें एडजस्ट करते हैं। अच्छा यार मुझे याद आया, वो मैंने आपको एक चीज बतानी थी। क्या बताऊं? एक चीज बताएं। वो इस वीडियो में सरप्राइज भी है। अच्छा सरप्राइज वाला क्या है? क्या कि हमारे पिजन ने उसके नीचे हमने हेन का बच्चा रखा, अंडा रखा, उसने हाँ मुर्गी का उसने निकाल दिया बच्चा। रिकॉर्ड है, वीडियो में दिखाएंगे। पक्की बात है, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ मुंसर ऐसे ही है ना, हमारे पिजन ने मुर्गी के बच्चा निकाला है ना। हाँ जी निकाला है। अंडा रखा था ना हमने, वही अंडा, वही अंडे में से बच्चा निकला है ना। भैया क्या बात है भाई, चले आप वीडियो, आप वीडियो आएगी हम देख लेंगे आपका क्या उसमें। जो वीडियो आने वाली है ना, बस आप देखिएगा इसी वीडियो के एंड पे, आप देखिएगा वीडियो पूरी देखिएगा। चलो पूरी देखेंगे तो पूरा आपको दिखाएंगे, अंडा रखते हुए भी दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखें। ये जो मुसरा भाई कह रहे हैं कि वाकई इन्होंने वो क्या नाम है उसका बच्चा, यानी कि मुर्गी का अंडा जो है कबूतर के नीचे रखा था, उसने जो है ना उसमें से चूजा निकाला है। ठीक है, इनका सबूत देख लेंगे। ये देखें अभी ये हमारे जो कबूतर देखे कितने बढ़ गए हैं, दो से अब चार हो गए हैं। यार देखो कमर भाई, अच्छा कैसे मिल गए, कल पे आए ये वाला पेड़ जो है। हाँ ये है? देखो कैसे आप उसमें इनकी दोस्ती हो गई है। अभी इनको सभी अभी के इनके केज लग है। केज लगे इनके, सिर्फ केज लगे हैं, सिर्फ देखते हैं एक दूसरे को कि वो उस केज में इस केज में। अभी कल आए हैं तो ये देखिए इनकी दोस्ती हो गई है। हाँ। और इनको ये इनकी दोस्ती तब बढ़ेगी जब इनको हम वो वाला बड़ा केज नहीं कोने में, वो वाला हाँ, उसमें यार बड़ी जबरदस्त जगह बन सकते हैं ये ब्रीड अच्छी करेंगे। हाँ ब्रीड अच्छी करेंगे क्योंकि उसके अंदर वो उसकी हाइट जो है ना उस केज की वो 5.5 से 6 फुट हाइट है, वो खुला भी काफी। आए देखते हैं वो केज। हाँ आए जरा। वो उसका ये फायदा कि ये जिसके अंदर ये फ्लाई कर सकेंगे ना, ये बर्ड जिसके अंदर फ्लाई करता है उसके अंदर ये बड़ी जल्दी ब्रीड करता है। ये देखो ये डोर है, ये वाला मेन डोर होगा। ये मेन डोर है, वो जो विंडो है ना। ओ यार हाँ, ये देखो ठहर में ये बड़ी जगह बन सकती है। ये इसकी हाइट है, ये चेक करो, यानी 5.5 हाइट मेरी है तो ये देखो। हाँ जमीन से हाँ छत, मगर यहाँ पे बंदा खड़ा हो सकता है तो यहाँ पे सारे इनके खुड्डे छुट्टे आ जाएंगे। यहाँ पे सामने डर पे लग जाएंगे इनके छोटे, वो कोने तक सारे थोड़ा वो प्लास्टर मार देंगे ना रेत का, वो तो करना ही करना है सीमेंट का। जाहिर है ये सुराख बंद करने सारे, छत डाल देंगे इसके अंदर की ये फ्लाई करेंगे ना, जो चीज जिस केज में हो ना जहाँ पे वो फ्लाई कर सके ना, वो उसमें बड़ी अच्छी जो है ना वो क्या नाम है अपनी ब्रीड कर सकती है। तो बस ठीक है, इसमें रखते हैं सारे पिजन वगैरह। हाँ। और ये पार्क में आगे खेला करेंगे। हाँ। और ये दरवाजा लगा हुआ है इसका, बस वो विंडो लगानी है हमने, बस ये वाला जाल लगाना हमने। हाँ, बस ऐसी है ना जाली लगानी है। हाँ जी। तो ये यार सबसे अच्छा है, जबरदस्त चीज बनी है, थोड़ा सा काम होने वाला है, ये काम हो गया इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सारा। तो ये फिर फाइनल हो गया है। हाँ, ले भाई लो भी कबूतर और पिजन भाई, आपके लिए घर सोच लिया भाई कमर भाई ने, अब रेडी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।